was yours, you were mine. हे गाइस, मैं हूं अनु और आप सभी का स्वागत करती हूं उड़ान वितनु में। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो हो सकता है आपको कुछ दिन बाद ही मिल पाए, क्योंकि सिस्टर के बर्थडे के बाद मैं थोड़ा सा बिजी हो जाऊंगी। यानी कि अभी मैं रेडी होके जाऊँगी अथर्व को लेके उसके घर, यानी कि मम्मी पापा के घर, और उसके बाद वहाँ से आने के बाद कुछ काम मुझे है, तो हो सकता है आपको एक दो दिन बाद ही ये वीडियो मिल पाएगा, लेकिन देखिएगा ज़रूर। और इसी वीडियो में मैं उस वीडियो को भी ऐड करने वाली हूँ, यानी कि मैंने आप सभी को बताया भी था कि केक के साथ ही साथ मैंने कुछ और भी बनाया था। जी हाँ दोस्तों, मैंने पान की आइसक्रीम बनाया था उस दिन रात में, तो उसकी भी रेसिपी मैं आप सभी के साथ इसी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, बिना स्किप किए। और वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करना। और दोस्तों, अभी मैं सिस्टर के यहाँ जा रही हूँ, तो वहाँ पे वो केक कट करेगी, साथ में और कौन मिलके केक कट करता है वो भी दिखाऊंगी, और क्या क्या खाना पीना होता है वो सारा चीज़ आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो पर ज़रूर बने रहिएगा, मिलती हूँ आप सभी से वीडियो के एंड पे। फ्रेंड्स, पान की आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 बड़े चम्मच सौंफ लिया है, जिसको मैंने मिक्सर जार में डाल दिया है। आधा कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने नारियल का बुरादा डाला है। 1 चम्मच भर के गुलकंद डाला है। 2 छोटी इलायची मैं यहाँ पर ले रही हूँ। दोस्तों, छोटी इलायची जो आप लेंगे उसके जो दाने हैं सिर्फ उसे ही डालें, जो छिलका है उसे साइड में रख दें। और आप चाहें तो इलायची नहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि पान का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो इसके लिए आपको इलायची डालने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस मन किया इलायची डालने का, तो मैंने यहाँ पे 2 इलायची डाल दिया। और ये जो पान की पत्तियाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैं 4-5 छोटे बड़े मिला के पान की पत्तियाँ ली हूँ। आप चाहें तो सिर्फ 3 बड़े पान की पत्तियाँ ले सकते हैं। इसके पीछे को आपको कट करके हटा देना है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के यहाँ पे डाल देना है। अब मैं यहाँ पे 10 काजू डाल देती हूँ और 10 आलमंड भी यहाँ पे डाल देती हूँ। अब मैं थोड़ा सा मिल्क यहाँ पे डाल दूँगी, बाद में आप चाहें तो ज़्यादा मिल्क ऐड कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे मैंने आधा कटोरी शुगर भी डाल दिया है। शुगर डालने के बाद अमूल का फ्रेश क्रीम मैं यूज़ करूँगी। 3 बड़े चम्मच यहाँ पर मैं अमूल का फ्रेश क्रीम डाल दूँगी। डालने के बाद अब मैं यहाँ पे कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। दोस्तों, कंडेंस मिल्क ज़रूर यूज़ करें, ताकि इसका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा निखर के आए। यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच कंडेंस मिल्क डाला है। इसे अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब बस यहाँ पे मेरे पास आइसक्रीम के लिए डब्बा रखा हुआ था, उसी में मैं फटाफट से डाल देती हूँ। ये बहुत ही आसान है दोस्तों घर पे बनाना। आप चाहें तो थोड़े से बड़े साइज़ के बर्तन में, एयर टाइट कंटेनर में भी आप इस आइसक्रीम को जमा सकते हैं। उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको जमाने में आसानी होगी। और इसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया जमाने के लिए, क्योंकि पावर कट भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इसलिए पूरा रात भर लगा, नहीं तो 4 से 5 घंटे के अंदर आइसक्रीम जम के तैयार हो जाती है। अब बस इसे फटाफट से फ्रिज में रख देना है, यानी सॉरी फ्रीजर में रखना है दोस्तों, फ्रिज पे ना रखें, वरना आपकी आइसक्रीम कभी नहीं जमेगी। तो यहाँ पे फ्रीजर में मैं रख देती हूँ और उसे रात भर के लिए छोड़ देती हूँ जमने के लिए। बस नेक्स्ट डे ये जो है हमारी आइसक्रीम बनके तैयार हो चुकी थी। बहुत ही यम्मी लगा था दोस्तों आइसक्रीम। और इसके बाद मैं आप सभी को दिखाती हूँ मम्मी के घर पर क्या क्या खाना बनाया था सिस्टर के बर्थडे के लिए। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये खीर है जो कि मम्मी ने बनाया था। बहुत ही यम्मी लगा था, हर बार से कुछ ज़्यादा ही टेस्टी लगा था ये खीर। उसके बाद लंच में हमारे बनी थी यहाँ पे मीठे वाले चावल, और दही थी, पनीर थी, साथ में चिकन भी था। चिकन तो मैंने नहीं खाया दोस्तों, मैं तो नहीं खाती हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन बना था तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ मैं इसे शेयर करूँ। तो ये सारी लंच की थी। लंच के बाद हम सभी ने थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद शाम की चाय हो गई। चाय पीने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं केक जो कि मेरी सिस्टर लेके आई थी। केक बहुत ही यम्मी था। सिस्टर और मेरा बेटा दोनों मिलके केक कट करते हैं, क्योंकि मेरे बेटे को हर किसी के बर्थडे पे केक कट करने का आदत है, तो वो यहाँ पर बैठ के वो केक कट कर रहा है। और मम्मी ने बनाया था यहाँ पर मटर की सब्ज़ी। मटर की सब्ज़ी दोस्तों चाट बनाने के लिए बनाया गया था, और इसके साथ ही साथ नूडल्स भी आए थे, समोसे भी आए थे, लेकिन उसकी क्लिप लेना मैं भूल गई। और यहाँ पे चाट हम सभी इंजॉय कर रहे हैं।
तो फ्रेंड्स, मैं और अथर्व दोनों ही मम्मी के घर से आ चुके हैं। काफ़ी लेट भी हो गया है, अभी लगभग 10 बज रहा है। थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया क्योंकि मम्मी डिनर वगैरह पैक कर दे रही थी। हम सभी ने डिनर वहाँ पे नहीं किया क्योंकि खाने का मन भी नहीं था और लेट भी हो रहा था। ज़्यादा लेट होता है तो ऑटो वगैरह नहीं मिल पाता है, तो इसलिए फटाफट से मम्मी ने खाना पैक किया, मैं उसको लेके आ गई। अभी मैं जा रही हूँ, अथर्व को खिला देती हूँ, खुद भी खा लेती हूँ। और आप सभी को वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो में अगर कुछ भी थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलती हूँ दोस्तों इसी तरह की नई ब्लॉग के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए, ढेर सारा प्यार लोगों में बांटते रहिए। बाय बाय।